हेलो दोस्तों, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करते हुए आपका। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, डेली लाइफ में उसका यूज़ बहुत होता है। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से इनका यूज होता है। और उस टॉपिक का नाम क्या है, जाना पहचाना टॉपिक है आपका, आप यूज़ भी करते हैं उसको, लेकिन कुछ बारीकियाँ ऐसी हैं जो मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो वो टॉपिक क्या है, हैज़, हैव और हैड का यूज़, कहाँ पर हैज और हैव का यूज होता है और कहाँ पर हैड का यूज होता है, और कैसे करते हैं उस यूज को, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ उनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हैज़, हैव और हैड, तो हैज़ और हैव, देखिए हैज़ और हैव जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव को किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, और हैड को पास्ट टेंस में। हैज़ हैव का यूज़ कब होता है, जब वाक्य के पीछे है लिखा हुआ हो, और हैड का यूज़ कब होता है, जब वाक्य के पीछे था, थी, थे लिखा हो। इसमें है, हैं बहुवचन भी हो सकता है, प्लूरल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब एक बात और है कि हैज और हैव किस किसके साथ यूज होता है। तो देखिए हैज का यूज कहाँ होता है, हैज का यूज होता है ही, सी, इट, वे, सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और हैव का यूज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ, इनके साथ इसका यूज होता है। तो बहुत आसान है। और हेड का यूज जो होता है, क्योंकि ये पास्ट में होता है, ये तो होता है प्रेजेंट में, और ये अकेला पास्ट में होता है, तो ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो हेड किसके साथ, हेड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, हैज और हैड का प्रयोग, हैज और हैव और हैड का प्रयोग, इसका अप्लाई कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे होती है, उसके लिए कंडीशन होती है कि जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो, कर्ता कोई वस्तु रखता हो। एक वन बाई वन करके एग्जाम्पल दूंगा मैं, यहां लिख चुका हूं। तो पहला एग्जाम्पल यहां होगा, पहला एग्जाम्पल एग्जाम्पल से लिख रहा हूं मैं कि जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो तो किसका प्रयोग होता है, हैज हैव हेड का, जैसे और इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हैज, हैव या हेड, और फिर कोई नाउन होता है, बाद में अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको मैंने इस बॉक्स में बंद कर दिया है। तो एग्जांपल वन क्या हुआ कि जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो, जैसे कि उसके पास एक कार थी, तो ये पास होना बताया जा रहा है, इसका मतलब वो रखता था, वह एक कार रखता था। तो बहुत आसानी से बना देंगे, कैसे बनाएंगे, उसके मींस ही, अब थी आ रहा है, तो क्या बताया मैंने, थी किसके लिए यूज होती है, हेड के लिए, हेड का मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ, तो ही हैड ए कार, वेरी इजी फॉर्मूला, ही हैड ए कार, कितना आसान तरीका है कि उसके पास एक कार थी। अब मान लो प्रेजेंट में होती है बात कि उसके पास एक कार है, तो हैज हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपकी, पहली कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब किसी रिश्तेदार का होना बताया जाए, कैसा रिश्तेदार का मतलब क्या होना बताया जाए, जैसे कि किसान के दो बेटे हैं, तो ये रिश्ता हो गया, नाता हो गया यहां पर, तो क्या बनेगा, द फार्मर हैज टू सन्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, लगता है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो किसान के दो बेटे हैं, अब यहां प्रेजेंट हुआ, ये प्रेजेंट हुआ तो किसका यूज किया हमने, हैज का यूज किया,
दो बेटे हैं इसलिए हैज का यूज किया, तो हमारी ये दूसरी कंडीशन क्लियर होती है। अब मैं इसको इरेज करके आपको तीसरी कंडीशन के बारे में बताऊंगा। तीसरी कंडीशन क्या है, इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तीसरी कंडीशन है हमारी कि जब किसी बीमारी का होना बताया जाए, किसी को कोई बीमारी है उसके बारे में बताया जाए, जैसे कि उसके उसके पेट में दर्द है या था होगा तो हेड का यूज हो जाएगा, तो क्या बनाएंगे, ही हैज स्टमक एक, उसके पेट में दर्द है, तो ये क्या है, बीमारी का हो गया। चौथी बात क्या, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हुई यहां पर, जब किसी प्राणी या वस्तु के किसी के अंग के बारे में बताया जाए। हाँ, जैसे कि ये हमने थर्ड किया था, अभी अब हम फोर्थ पे करेंगे। फोर्थ क्या है कि उसके बहुत लंबे बाल हैं। हाँ, लंबे बाल हैं या थे कर सकते हैं यहां पर हम, तो क्या बनेगा, ही हैज सॉरी हैड वेरी लॉन्ग हेयर। ठीक है, तो हमारी ये चौथी कंडीशन, हाँ हेयर अंग हो गया हमारा, लिंब हो गया ये, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर पांचवी बात क्या होती है, जब किसी अदृश्य भाव का बोध हो, किसी विचार का बोध हो, जैसे कि इरेज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ क्या होगा कि शिवाजी में बहुत साहस था, बहुत साहस था, तो क्या ये कोई अदृश्य भाव है, विचार है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल अदृश्य ही तो है, तो क्या बनेगा, शिवाजी हैड ए ग्रेट करेज, शिवाजी में बहुत साहस था। तो यहां पर ये पांचों कंडीशन हमारी फुलफिल हुई कि जब कर्ता के पास कोई वस्तु होती है, रखता है कोई, तब हैज अ हैड, किसी रिश्तेदार का होना बताया जाए तब हैज अ हैड, किसी बीमारी का होना बताया जाए तब हैज अ हैड का यूज होता है, और किसी प्राणी या वस्तु के अंग के बारे में बताया जाए तब हैज अ हैड का यूज होता है, जब किसी अदृश्य भाव को बताया जाए जैसे कि एग्जाम्पल लिखा मैंने तब हैज अ हैड का यूज होता है। अब इसके हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव जैसे हैज हैव हैड के बाद में हम नो और नॉट का यूज, नो और नॉट का यूज करके हम नेगेटिव बना सकते हैं। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम हैड हैज या हैव को शुरू में बना सकते हैं, फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, लगता है कि आपने समझा होगा, ढंग से सुना होगा, गौर से सुना होगा, और इस गौर से सुनने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।